हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि लीफी वेजिटेबल को कैसे स्टोर करके लंबे समय तक रख सके। जनरली ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, देखिए इसके सारे मैंने जड़ को काट दिया है। इसके लीफ को आप अलग कर लीजिए और डंठल को फेंक दीजिए। इसके पत्ते को अलग करके एक प्लेट में या फिर एक ट्रे में रख लीजिए और इसके डंठल को फेंक दीजिए। इसमें कुछ येलो लीव्स रहते, उसे आप बिल्कुल ना रखें, इसे भी आप फेंक दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा धनिया साफ कर लिया है। दूसरा है और मेथी, सेम उसी प्रोसेस से मेथी के लीफ को अलग कर लीजिए और इसके डंठल को आप फेंक दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से सूखे पत्ते भी रहते हैं, तो इसे भी आप फेंक दीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा मेथी साफ हो गया है। तीसरा वेजिटेबल है पालक लिया है, इसके भी जड़ को मैंने काट दिया है। सेम उसी प्रोसेस से आप इसे भी आप साफ कर लीजिए। इस तरह से आप साफ करके रखिएगा तो आपके वेजिटेबल काफी लंबे समय तक चलेंगे। देखिए पालक भी यहाँ पे साफ हो गया है। तो अब मैं आपको इसे कैसे धोते हैं इसे मैं आपको बता रही हूँ। एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें एक कप विनेगर डाल लीजिए। विनेगर डालने से क्या होता है कि वेजिटेबल काफी लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें जो भी कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं। सबसे पहले धनिया को डालकर अच्छे से धो लीजिए और इसे एक स्ट्रेनर से छानकर पानी को निकाल दीजिए। उसी पानी में मैंने यहाँ मेथी को भी धो लिया है, देखिए उसी प्रोसेस से। सेम इसी तरह से आप पालक को भी धो लीजिए। विनेगर वाले पानी से धोने के बाद इसे आप रनिंग वाटर में जरूर धो लें। तो इसे भी आप स्ट्रेन कर लीजिए। सो रनिंग वाटर में धोने के बाद इसे एक टॉवल पे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो इसे एक टॉवल से आप जल्दी सुखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वेजिटेबल सूख गया है काफी अच्छी तरह से। अब हम इसे आपको स्टोर करना बताते हैं इसे कैसे स्टोर करें। टिश्यू पेपर लीजिए और उसमें धनिया का पत्ते को डाल लीजिए अच्छे से और इसे रैप कर दीजिए। टिश्यू पेपर से क्या होता है कि इसके अंदर का मॉइस्चर रहता है इसे ये सोख लेता है और इसे खराब होने से बचाता है। इसे आप एक जिपलॉक बैग में डालिए, इसे आप जेंटली प्रेस कीजिए, ज्यादा जोर से मत दबाइए और इसके सारे अंदर के एयर को बाहर कर दीजिए। तो इसे आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं या फिर इसे कंटेनर में भी डालकर स्टोर कर सकते हैं। इसे आप 2-3 दिन पे देखिए, टिश्यू पेपर आपका गीला हो गया है तो इसे आप चेंज कर दीजिए। इस तरह से करने पे आपका ये वेजिटेबल काफी लंबे समय तक चलेगा। सो दूसरा है मेथी, इसे भी आप उसी तरह से टिश्यू पेपर में रैप कर दीजिए। इसे भी आप जिपलॉक बैग में डाल लीजिए या फिर कुछ अच्छे से साफ कंटेनर में रखें। याद रहे कंटेनर हमारा साफ और सूखा हुआ रहे और एयर टाइट रहे। सेम पालक के साथ भी करेंगे, इसे अब भी आप जिपलॉक बैग में डालिए और इसके अंदर के एयर को बाहर कर दीजिए। फिर इसे आप स्टोर करके रखिए। जब भी आपको लेना हो इसमें से थोड़ा सा लीजिए, फिर आप इसी तरह से रख दीजिए फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू।